अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, परमानेंटली डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को। तो उम्मीद है आप मेरी वीडियो का थंबनेल देख के इसी वजह से आए होंगे कि आपके फेसबुक अकाउंट पर भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुका है, और आप यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस देख चुके हैं बट अपना फेसबुक अकाउंट आप रिकवर नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो को भी आप लाजमी से देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक एक स्टेप बताने जा रहा हूँ, न्यू ट्रिक बताने जा रहा हूँ प्रूफ के साथ, आप कैसे डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, कैसे नहीं बल्कि करेंगे, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल अशान टेक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको पहले मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ जितने भी हैं वो डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट पर होती हैं, और जितनी भी मेरी आप वीडियोस देखेंगे उनमें ये है कि मेरी वीडियोस कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली या फिर जो है ना उसमें थोड़ा सा काम किया हो, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। मेरी वीडियो सिंपल होती है, और सिंपल वीडियो में मैं जस्ट आपको तरीका बताता हूँ और डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने का तरीका, और कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने अकाउंट्स रिकवर भी किए हैं। तो इसी तरह ये है कि मेन चीज़ ये होती है कि वीडियो में काम करके दिखाना, ठीक है, वीडियो ने काम करना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो डिज़ाइनिंग वाली है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो डिज़ाइनिंग वाली नहीं है, ज़्यादा जो है ना मज़े की नहीं बनी हुई तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते, इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं बहुत जल्द जो है ना आपके साथ जो है ना रब्ता भी कर सकता हूं। मतलब कि ये चीज़ नहीं कि आप मुझे सपोर्ट ही करें तो तभी आपके साथ रब्ता करता हूं, आप मेरे साथ इंस्टा पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप मेरे पेज पर भी रब्ता, आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता कर लूँगा, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आपका डिसेबल मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ अटैच हैं और मेरे साथ रब्ते में, तो आप भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट जो है आप रिकवर करवाना चाहते हैं। तो बात थोड़ी लंबी हो गई तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अब ये है कि फेसबुक के हेल्प सेंटर से किसी मेथड से भी आप जाएं, किसी लिंक पे भी जाएं, फेसबुक रिव्यू नहीं कर रहा। फेसबुक रिव्यू कहाँ पे कर रहा है, कौन सी ईमेल रिकवर कर ईमेल को रिव्यू कर रहा है वो भी आपको बताता हूँ। तो मैं आपको फेसबुक पर चल के दिखा देता हूँ, ये एक अकाउंट है जो डिसेबल्ड हो चुका है, ये देखें ना 10 लॉगिन, ठीक है, तो ये डिसेबल्ड हो चुका है। अब आज हम इसको रिकवर करेंगे, तो इसको कैसे रिकवर करना है, आपने जीमेल को ओपन कर लेना, ठीक है। जीमेल मैंने ऑलरेडी इस अकाउंट को ओपन कर रखा है। याद रखें कि दो चीज़ें आपने लाजमी से जहन में रखनी है, एक आपका जीमेल जो है वो आपकी आईडी के साथ अटैच होना चाहिए, दूसरी बात जो है उसमें दो चीज़ें कि आपका फेसबुक अकाउंट और आपका प्रूफ, आपके फेसबुक अकाउंट का नाम और आपके प्रूफ का नाम सेम होना चाहिए, आपकी DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ फेसबुक की आपके प्रूफ के डेट ऑफ बर्थ से सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम होंगी और आपका जो जीमेल है वो आपका लिंक्ड होगा फेसबुक अकाउंट के साथ, और जीमेल आपके पास मौजूद होगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक या दो दिन के अंदर अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुका है। तो आपने कंपोज के बटन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टू किसको भेजनी है, फेसबुक, ये देख सकते हैं फेसबुक, ये आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक दो वीडियोस पहले भी बना चुका था लेकिन उस पर यह है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा था, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। ईमेल आपको ईमेल लेने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज करना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पर मैंशन करवा देता हूँ, ये देख सकते हैं case@, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आपको यहाँ पे कंपोज में यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए, ये देख सकते हैं फेसबुक, ये बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इजीली आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फेसबुक, ये देख सकते हैं पूरा पूरी ये फेसबुक से लेके ये यहाँ तक आपने पूरा लिखना है, और उसके बाद इसको इंटर करना है तो ये फेसबुक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। case++AAZQ U76UDR2NOU@facebook.com, ये मैंने खुद से नहीं बनाई,
ये फेसबुक की तरफ से आई है, इसका प्रूफ भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपने माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल्ड ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ईमेल में अपने अकाउंट के बारे में लिख लेना है, मैं अकाउंट के बारे में लिख के बता देता हूँ। उसके बाद आपने ये प्रूफ जो है अपील जो है वो आपने यहाँ पे जो है ना ये ख़ुद से भी आप बना सकते हैं, पर कोई मुश्किल नहीं है। यही आपने लिखना है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप गूगल से जाके आप इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सर मेरा अकाउंट जो है डिसेबल्ड हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला कैसे डिसेबल्ड हुआ सर, मेरा अकाउंट तो फेसबुक के कम्युनिटी सेंटर को फॉलो भी कर रहा है लेकिन अब मैं अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर नहीं कर पा रहा, आप मेरे अकाउंट को रिव्यू करें, अगर किसी तरह की भी वायलेशन है फिर आप मेरा अकाउंट डिसेबल करें, नहीं तो मेरा प्लीज़ अकाउंट मुझे बैक करें, ये मेरा अकाउंट बिजनेस के लिए पर्सनल, इस तरह की चीज़ आप लिख के तो आपने प्रूफ साइड करके आपने सेंड के बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं हमारी मेल जो है वो मेरे ख्याल से सेंड हो चुकी है, मैं सेंड के बटन पर जाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं 7 अगस्त को सेंड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी ये ईमेल वर्किंग ही नहीं है, वर्क ही नहीं कर रही, फेसबुक रिव्यू ही नहीं कर रहा। दोस्तों किस तरह नहीं रिव्यू कर रहा, मैंने खुद ट्राई किया 27 जुलाई को, ठीक है, फेसबुक की तरफ से एक मेल आई मुझे, ठीक है, वो मेरे अकाउंट के मुतालिक थी, मैंने सबमिट ये आईडी की थी 12 मई को, ठीक है, मुझे मेल कब आई 27 जुलाई को, ठीक है। 27 जुलाई को मेल आने के बाद मैंने मेल को चेक करने के लिए मैंने दोबारा मेल भेजी, मुझे 30 जुलाई को आई एक मेल, ठीक है। मैंने 30 जुलाई को जो मेल आई उसको दोबारा जो है ना मैंने वैसे फेसबुक को जो है ना भेजी, तो मुझे फिर 1 अगस्त को वापस जो है ना लगातार रिव्यू कर रहे हैं, और इस मेथड से काफ़ी लोग अपना अकाउंट जो है वो रिकवर कर चुके हैं, तो इस मेल के ज़रिए आप भी रिकवर कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। तो इसके अलावा अगर आप अपना अकाउंट जो है पेड जो ओपन करवाना चाहते हैं उसके लिए आप मेरे साथ इंस्टा पर रब्ता कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपके साथ रब्ता कर लूँगा, ठीक है। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा उससे फिर मैं आपको बता दूँगा डिटेल सारी। तो फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।